व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम एक सिंपल स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, जो है हमारा अंजीर का मीठा। ये बहुत मज़ेदार बनता है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 1 kg अंजीर लिए हैं, जो अच्छे से पके हुए हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और 2 टुकड़ों में ऐसे कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और 1 चम्मच इसमें घी डालूंगी। अब मैं इसमें अंजीर डाल लूंगी, धीरे से डालूंगी, घी है तो उड़ जाएगा। देखिए, सारे अंजीर मैंने डाल लिए हैं। अब इसी पर मैं शक्कर डालूंगी। ये शक्कर 250 ग्राम्स है, ये सारी मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैं बिल्कुल 1/2 कप जितना पानी डालूंगी। देखिए, 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ऐसे अच्छे से नीचे से हम मिक्स करेंगे। बस हम इतना ही मिक्स करेंगे और इसे ढांक कर कुछ देर के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे। मैंने इसे ढांक लिया है, अब 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखूंगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी शक्कर अभी नहीं डिजॉल्व हुई है, तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अंजीर का पानी बहुत सारा छूट गया है, इसी में वो अच्छे से गल जाएंगे। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मैंने उसे मिक्स कर लिया है। अब 2 pinch मैं रेड फूड कलर डालूंगी, इससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे स्वीट का। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढांक कर लो फ्लेम पर, जब तक ये गलते हैं तब तक हम पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लूंगी हमारे अंजीर कितना गले हैं, हमें चेक करना है। 1 चम्मच की मदद से मैं चेक करूंगी। देखिए, और थोड़ा ये बाकी है, 50% अभी नहीं गले हैं। इसका पानी भी बहुत है, तो हम इसे हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे, तब तक ये अंजीर भी अच्छे से गल जाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच को ऐसे थोड़ा सा चलाते जाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा पोजीशन इसका चेंज हो जाए, ऊपर भी वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर मैंने इसे 15 मिनट तक पकाया है। अब ये पानी अच्छे से सूख चुका है, हमारा शीरा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो और थोड़ा हम इसे पकाएंगे, आप इतना भी रख सकते हैं, ये शीरा बहुत मज़े का लगता है। चाहे तो आप थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, और 1-2 मिनट पकाएंगे तो और थोड़ा गाढ़ा होगा। अभी इस टाइम हम इसमें नींबू डालेंगे, थोड़ा सा 4-5 बूंद हम नींबू के डालेंगे, क्योंकि चीनी को हमने बहुत पकाया है शीरा, तो वो क्रिस्टलाइज होने का चांस होता है, तो हम इसलिए लेमन डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 2 मिनट पकाएंगे और रेडी हो जाएगी। चलिए, तो ये रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। हमारा अंजीर का मीठा बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इस पर क्रीम डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी वो बहुत मज़े का लगता है। और आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और जो रेडीमेड क्रीम आती है अमूल की, वो डालूंगी। पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी और थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। ये क्रीम डालने से बहुत मज़े का लगता है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा अंजीर का मीठा बनकर तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।
Bye.